मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको ज्ञान सागर पाठ 6 समय का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। यानी जो खाली स्थान है वो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को खाली स्थान में भरना है। अब जो कथन ये दिए गए हैं, जो इन कविता के भाव दिए गए हैं इसमें और ये कथन है, तो इनके आगे सही और गलत का निशान, यदि सही है तो सही का निशान और गलत है तो गलत का निशान। प्रयत्न करने पर समय रुक सकता है, नहीं रुक सकता तो गलत है। जो पत्ता एक बार डाल से टूट गया तो वह नहीं जुड़ता है, बिल्कुल सही है। भीषण आदि तूफान के आगे समय झुकता है, नहीं झुकता। प्रकृति भी समय के अनुसार चलती है, बिल्कुल चलती है। समय सबसे ज़्यादा बलवान है, तो आपका ये पहला गलत, दूसरा सही, फिर गलत, फिर सही, फिर सही। भाषा की बात, भाषा की बात में आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं अपनी किताब से ही। क्षण का मतलब है, यानी जो कविता में आए हुए हैं समान अर्थ वो लिखने हैं। क्षण का मतलब है पल, हमेशा सदा, मोती मुक्ता, शक्तिशाली बलवान, ये समान अर्थी शब्द आपके कविता में आए हुए हैं। प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाना है। चल प्लस ना चलना, बदल प्लस ना बदलना, समझ प्लस ना समझना, झुक प्लस ता झुकता, रुक प्लस ता रुकता, जुड़ प्लस ता जुड़ता। अब हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं, लेकिन इन्होंने 4 ऋतुएं दी हुई हैं, वर्षा, ग्रीष्म, शीत और बसंत। इनकी विशेषताएं बतानी है, हमने 2-2 यहाँ पर लिख दी हैं, आप अपनी स्वेच्छा से इनकी कोई भी विशेषता लिख सकते हो। वर्षा, वर्षा ऋतु में बारिश होती है, आर्द्रता यानी नमी आती है उसमें। ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती हैं यानी गर्मी होती है, उष्णता आती है। शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फ़ गिरती है, हिमपात होता है। और बसंत ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, रंग बिरंगे फूल चारों ओर खिलते हैं। तो बच्चों, अब आपको अनुमान और कल्पना के प्रश्नोत्तर लिखने हैं। यदि आप सुबह समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, आपको खुद लिखना है। विद्यालय नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, आपको शर्मिंदगी होगी, अध्यापक के सामने आपको बताना पड़ेगा, बच्चे आप पर हंसेंगे, लेट कमर्स में आपका नाम आएगा। तो आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हो। मान लीजिए कि आपने समय रहते परीक्षा की तैयारी नहीं की और परीक्षा का दिन आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप टाइम टेबल बनाएंगे, क्योंकि तैयारी आपने पहले नहीं की, तो उसी हिसाब से टाइम टेबल बना करके आप उसकी तैयारी करोगे। तो ये आप अपने आप अनुमान और कल्पना लगा करके प्रश्नों के उत्तर लिखोगे, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।